नमस्कार, मैं संगीता झा। सिटी पोस्ट के खास खबर में आपका स्वागत है। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को कुछ दिन ही हुए हैं, जिसको न्याय दिलाने के लिए देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं अपराधी अभी भी बेखौफ हैं। खबर बक्सर से आ रही है, जहां युवती की जली हुई लाश मिली है। जानकारी के अनुसार गाँव में एक तम्बाकू के खेत में महिला का शव मिला है। महिला विवाहिता बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मृतिका के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है। जी हां, इटारडी थाना क्षेत्र के कुकुड़ा गांव में मिली लड़की की लाश, हम मामले में दुष्कर्म तथा उसके बाद हत्या की पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि पहले उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर उसे नजदीक से गोली मारी गई है। चिकित्सक बीएन चौबे ने बताया कि जो लाश मिली है वह किसी लड़की की है तथा उसकी उम्र 20 वर्ष से कम है। उन्होंने बताया कि युवती अच्छे तरीके से तैयार होकर मौके पर पहुंची थी, क्योंकि उसकी सैंडल उसके पैर में ही लगी हुई है, नाखून भी ताजा ताजा रंगे हुए हैं। ये सब बातें इंगित करती हैं कि लड़की की हत्या हुई है, लेकिन गोली मारकर तथा जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी हुई है। लड़की के साथ दुष्कर्म तो हुआ ही है, लेकिन हालांकि यह मुश्किल है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है अथवा किसी एक व्यक्ति द्वारा उसका बलात्कार किया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को देखने के पश्चात बलात्कार की पुष्टि हो रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो रहा है कि युवती या तो अविवाहित होगी या उसका अभी अभी विवाह हुआ होगा। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। मामले की जांच करने खुद आरक्षी अधीक्षक उपेंद्र वर्मा मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक एक पहलुओं पर बारीकी से जांच की तथा अधीनस्थ कर्मचारी से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि बक्सर से गायब हुई किशोरी से इस लाश का कोई संबंध नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि मामले की जांच को लेकर एफएसएल की टीम बुलाई गई है, जो कि घटना स्थल पर मिले प्रमाणों के आधार पर अपनी जांच पूरी करेगी। एक मिनट रुकिएगा। तो देश के सबसे बड़े जल्लाद पवन का निर्भया के दोषियों को लेकर बड़ा बयान आ रहा है, जहां उन्होंने कहा कि निर्भया और हैदराबाद जैसे रूह कपा देने वाले कांड पर बैठे नहीं रुक सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है जितनी जल्दी हो सके निर्भया के मुजरिमों को फांसी पर लटका दो, डॉक्टर प्रियंका के हत्यारों को जल्दी से मुजरिम करार दिलवा दीजिए, हिंदुस्तान में निर्भया और प्रियंका कांड खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे। जब तक ऐसे जालिमों को मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, तब तक बाकी बचे हुए ऐसे क्रूर इंसानों में भला भय कैसे पैदा होगा। मेरठ में मौजूद पुश्तैनी जल्लाद पवन ने खुलकर बात की है। पवन ने कहा, अगर निर्भया के हत्यारों को सरकार लटका चुकी होती तो शायद हैदराबाद के मासूम डॉक्टर बेमौत मरने से बच गई होती। निर्भया के हत्यारों को आखिर तिहाड़ जेल में पाल कर रखा ही क्यों जा रहा है? निर्भया कांड के मुजरिम हो या फिर प्रियंका के हत्यारे, इनका इलाज जब तक आनन फानन में नहीं होगा, तब तक यह मुसीबतें समाज में बरकरार रहेगी। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बड़े पैमाने पर हेरफेर चल रहा है। ठेकेदार ग्रामीण सड़कें घटिया क्वालिटी का बना रहे हैं और शर्तों के मुताबिक उसे मेंटेन भी नहीं कर रहे हैं। दो दो साल से ग्रामीण सड़कें बदहाल हैं, लेकिन उनकी मरम्मति नहीं हो रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के निरीक्षण में जिन ग्रामीण सड़कों में गड़बड़ी मिली थी उसमें से करीब 70% का मरम्मत कार्य हुआ है, लेकिन अभी भी 30% सड़कों को संबंधित ठेकेदारों ने मरम्मत नहीं किया है। विभाग वैसे ठेकेदारों को टर्मिनेशन नोटिस भेजा है, अब इनके खिलाफ आगे की कार्यवाही की तैयारी है। पूरे राज्य में 1600 ठेकेदारों को टर्मिनेशन नोटिस भेजी गई है, इनको काली सूची में डाला जाएगा, यानी कि आगे से सरकार की तरफ से कोई ठेका नहीं मिलेगा। साथ ही उन्हें जो सड़कें बनाई हैं उसकी लागत की 20% की राशि की वसूली की जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण कार्य विभाग ने पूरे बिहार में 22,000 ग्रामीण सड़कों की जाँच कराई थी, जाँच में 14,000 से अधिक सड़कों में खराबी पाई थी। विभाग की सख्ती के बाद 10,138 ग्रामीण पथों की मरम्मत कर दी गई, 2,660 पथों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। लेकिन सिटी पोस्ट की खबर के अनुसार ग्रामीण सड़कों के मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति ही हो रही है। किसी तरह से गड्ढे भरकर उसे काली कर तस्वीर लेकर ठेकेदार बिल की निकासी कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव एक तरफ जमानत लेने में जुटे हैं, दूसरी तरफ चारा घोटाले के देवघर ट्रेजरी के से अवैध निकाल
आपसी मामले में उनकी सजा बढ़ाने के लिए रांची हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। सूत्रों के अनुसार लालू यादव समेत 6 लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती है। हाई कोर्ट ने सजा बढ़ाने संबंधी सीबीआई की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार के खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के लालू के वकील की दलील को खारिज करते हुए सीबीआई की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि लालू यादव के वकील ने यह दलील दी थी कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन सीबीआई की तरफ से यह दलील दिया गया था कि लालू समेत 6 लोगों को विशेष कोर्ट से कम सजा सुनाई गई है, जबकि ये सभी घोटाले के उच्च स्तरीय षड्यंत्र में शामिल रहे हैं। जाहिर है कि हाई कोर्ट की सुनवाई से लालू यादव की मुसीबत और बढ़ सकती है। गौरतलब है कि लालू यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता है। रांची रिम्स अस्पताल में वो पिछले कई महीनों से भर्ती है। उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही है। उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए उनके परिवार ने उन्हें जमानत पर छोड़ने की अर्जी हाईकोर्ट में दी रखी है। उस अर्जी पर लगातार सुनवाई हो रही है। पैच झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि परिवर्तन का बहुत बड़ा लाभ झारखंड को मिला है। उन्होंने कहा कि हमने एसी कमरे में बैठकर काम नहीं किया है, साथ ही हमने केंद्र सरकार को दिल्ली से निकालकर देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, आज झारखंड की बुलंद पहचान देश और दुनिया में है। 5 साल पहले कांग्रेस जेएमएम के राज में यहां से सिर्फ भ्रष्टाचार लूट की खबरें आती थी। इस दलों के अनेक शीर्ष नेताओं पर आज भी भ्रष्टाचार के केस अदालतों में चल रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।